किया क्या आपने? किया सर। और लास्ट डे क्या किया आपने? लास्ट डे डबल डेकर सिक्कू निकाला सर। किया आपने? वन टाइम में निकाला सर, सिर्फ एनसी पॉइंट निकले, बाकी पूरा एकदम अच्छे से निकला सर। क्लीन भी किया और रिवॉल्व करके उसको बिठाया भी। रैम कैसी बनाई आपने? रैम यूनिवर्सल टेंसिल से बनाई सर। अच्छा पढ़ा लेते हैं तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ सीखूंगा। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं ऑनलाइन सीख लेता हूँ, चलो ठीक है मेरा टाइम बचेगा? आप क्या करते थे बस? सर अगर कोई चीज़ को सीखना है तो घर बैठे तो नहीं होगा सर, नहीं उसके लिए तो घर छोड़ना है, अपने सुख चैन आराम को कुर्बान करना है सर। आपकी शॉप है क्या? हाँ सर। सर यहाँ पे पहले दिन आए तो पहले दिन तो हमने सर रिबॉलिंग की सर, फिर उसके बाद लाइव सीपीयू निकाल के बिठाए सर, पावर आईसी निकाल के बिठाए सर। सर शॉप हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं YouTube ऑफिशियल चैनल हमारा और ये 28 अक्टूबर का बैच। मेरे साथ एक स्टूडेंट है तौसिफ। तौसिफ कहाँ से आप? सर महाराष्ट्र से, औरंगाबाद। औरंगाबाद, तो आप इतनी दूर से महाराष्ट्र में मुंबई जा सकते थे, पास पड़ता मेरे ख्याल से, दिल्ली भी पास पड़ता, हर जगह पास पड़ता, तो आपने मध्य प्रदेश क्यों चुना? सर यहाँ पे जो बात है वो कहीं और नहीं सर। ऐसा क्यों लगा आपको, पहले ऐसा क्यों लगा आपने? अभी तो ठीक है, अभी आप सब सीख लिया, आपको लगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा सीख के गया हूँ? यहाँ आने से पहले हम आपकी वीडियो देखते थे सर, वीडियो के अंदर आप जो लेवल पे बताते थे सर, हाँ। वो किसी ने आज तक नहीं बताया सर। अच्छा। आज तक नहीं बताया सर, हमने बहुत बार वीडियो देखे सर, हर किसी के वीडियो देखते थे सर, पर आपके जैसा वीडियो एंडलेस तक, मतलब उसका पैड लाइन कैसा बनाना, हर चीज का आपने जो सोल्यूशन दिया था सर, वो किसी ने आज तक लाइव नहीं दिखाया सर। अच्छा। आपने दिखाया? तो ये आपने सोचा कि यूट्यूब में अच्छा पढ़ा लेते हैं तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ सीखूंगा? तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं ऑनलाइन सीख लेता हूँ, चलो ठीक है मेरा टाइम बचेगा? आप क्या करते थे बस? सर अगर कोई चीज़ को सीखना है तो घर बैठे तो नहीं होगा सर, उसके लिए तो घर छोड़ना है, अपने सुख चैन आराम को कुर्बान करना है सर। आपकी शॉप है क्या? हाँ सर शॉप। तो आपने ये नहीं सोचा कि आपका शॉप आपका बंद हो जाएगा, काम आपका रुक जाएगा सर? वो रुकता है तो रुक जाए सर, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अगर मैं अभी अपडेट नहीं होगा तो आगे तो मैं लॉस्ट हो जाऊंगा सर। ये बात तो हमारे लिए भी है, हम अपडेट नहीं होंगे तो हम भी लॉस्ट होंगे, अपडेट होना बहुत जरूरी है। अपडेट क्या होता है? अपडेट ये होता है सर, अभी जैसे मोबाइल के अंदर जैसे एक सीपीयू था, आपने एक पावर आईसी दिया, अभी डबल हो गई सर, अभी और चेंजेस आ रहा सर, अभी तो और पावर आईसी बढ़ने वाली है सर, चार चार पावर आईसी आ रही है अब तो। अगर अपडेट नहीं होंगे सर तो हमको तो दुकान ही बंद करना होगी। एक महीने के अंदर मैं आप सभी लोग से वादा करता हूँ कि आपको एक महीने के अंदर एक ग्रुप में इतना गजब जबरदस्त अपडेट दूंगा और बिल्कुल लेटेस्ट हैंडसेट पे दूंगा जो बिल्कुल उतर रहा है अभी मार्केट में, मीडियाटेक और क्वालकॉम के साथ में, और जो 25,000 से 30,000 रुपए का हैंडसेट है और जिसमें चार पावर आईसी आई है, और उनको आपको बताऊंगा कि चारों पावर आईसी कब और किधर उतारनी है उसकी आईसी की रीडिंग के साथ में, और वो मैं डालूंगा ग्रुप के अंदर, और उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं कि वो फोन लॉन्च हो, और लॉन्च से पहले दिन ही वो फोन खरीदूंगा और चालू फोन में उस फोन को उतारूंगा, उसका पूरा आईसी का डाटा शीट बनाऊंगा और अपने हर स्टूडेंट को देने का वादा करता हूं मैं। थैंक यू सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे आपने लाइव क्या काम किया? सर यहाँ पे पहले दिन आए तो पहले दिन तो हमने सर रिबॉलिंग की सर, फिर उसके बाद लाइव सीपीयू निकाल के बिठाए सर, पावर आईसी निकाल के बिठाए सर। क्यों किया क्या आपने? किया सर। और लास्ट डे क्या किया आपने? लास्ट डे डबल डेकर सीपीयू निकाला सर। किया आपने? वन टाइम में निकाला सर, सिर्फ एनसी पॉइंट निकले, बाकी पूरा एकदम अच्छे से निकला सर, क्लीन भी किया और रिवॉल्व करके उसको बिठाया भी। रैम कैसी बनाई आपने? रैम यूनिवर्सल टेंसिल से बनाई सर। क्या बात है, यूनिवर्सल टेंसिल से ही सीपीयू रिवॉल्व किया आपने? हाँ सर, रिवॉल्व से ही किया है, यूनिवर्सल। आपको कोई खास सीपीयू स्टेंसिल नहीं दी हमने? नहीं नहीं सर, नहीं थी। स्किल मतलब वो यूनिवर्सल से मिली है, वो कहते हैं ना एक एक कहावत है हमारे टेक्नीशियन भाइयों में या लाइन में कि अरे रिबॉलिंग तो मैं कोई सी भी स्टेंसिल से कर दूं ऐसी सिखाता हूं, ये कहावत चलती है हमारे में, तो वो वाकई में उसकी जो स्किल है सर, हैंड स्किल जो मिलन सर ने बताई सर, तो ऐसा नहीं लगा कि उसके लिए प्रोफेशनली स्टेंसिल चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल से तो कोई भी कर लेगा सर, बासल मजा का भी सर, मैं कर लूँगा टेंसिल चाहे कोई भी हो, ये कॉन्फिडेंस सर से आया सर। अच्छा, एक इंडिया में और भी एक दो तीन फेमस इंस्टीट्यूट है, उसके फेमस टीचरों का एक कमेंट्स ये है कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आप 11-12 लोग आपके यहाँ आते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाते, 15-20-25, तो बोलते नहीं भाई उसके ऊपर है ना हेडेक सा हो जाता है और फिर पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 30 लोग लाइव पावर करवा दिया एक दिन में, फिर सीपीयू भी करवाया, ये दम किस में है? सर ये दम यहाँ के टीचरों में सर, है ना? क्यों पीछे खड़ा रह के तेरे से क्यों नहीं हो रहा, सबसे हुआ नहीं हो रहा, चल सामने हॉट सीट पे बिठा के सबके सामने लाइव किया सर। मोहम्मद सर में दम है कि नहीं है? बहुत है सर, यहाँ के टीचर यहाँ पे हम लोग आए सर, ये हम आ गए तो यहाँ पे सीखना और सिखाना ये आपकी बहुत
एकदम खुद की से ऐसा सिखाते सर कि यहाँ आया है तो खाली कोई ना जाए सर। और डिसिप्लिन क्या है यहाँ का? डिसिप्लिन तो सर बिना मेहनत वाला तो मेहनत है, डिसिप्लिन है, एक गुरुकुल होता है, एक गुरुकुल होता है। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी बड़ी बड़ी, जिसमें होता होगा कि छोटे मोटे कॉलेज होते होंगे, उसमें क्या होता है तौसीफ कि आप 11-12 पढ़े सपोज और आपके कुछ भी नंबर आ गए तो उसमें उसको भी रख लिया जाता है। और एक कॉलेज वो होता है जिसमें एकदम लास्ट कैटेगरी जो 98-99 एक कट सीट होती है, सिर्फ उस स्टूडेंट को रखा जाता है। तो पता है क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ना किस लेवल पे पढ़ाता है वो जानता है कि ये 40-20% वाले लड़के कभी भी हमारा सिलेबस अटेंड ही नहीं कर सकते, इनका इतना दिमाग ही नहीं है, ना ही ये इतने घंटे पढ़ सकते हैं। वो जानते हैं कि 90% वाले स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब 90 वाले कैटेगरी के हैं, इसलिए आप यहाँ पर इतना 12 घंटे की क्लास अटेंड की, आपने 10 बजे आते हो फिर रात के 10 बजे जाते हो, सवेरे 8 बजे आए रात के 8 बजे गए, उसके बाद घर जाके सोए, फिर सवेरे उठ के वापस आना है। तो कितना आपको लगा सर? बहुत डिफिकल्ट लगा सर, पर कैसा है यहाँ से जाने के बाद सर हमको एक रोज होमवर्क देते थे सर, जैसे जो बताए कल अगर ये नहीं करके लाए, जैसे मिलन सर ने पहले दिन क्लियर किया था कि अगर नोटबुक अगर क्लियर नहीं होंगी तो उसको बुक इसमें क्लास में एंट्री नहीं होगी सर। उस दिन सर 3 बजे तक कोई स्टूडेंट नहीं सोया सर। तो अच्छा ये बताइए, मिलन सर का ये कहना या हमारे किसी भी टीचर का ये कहना कि देखो ये नहीं करोगे अगले दिन नहीं घुसाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं घुसाते, हम बिल्कुल घुसा लेते, बट हम अपनी आत्मा को जगा रहे हैं सर, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है सर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सर बच्चे बोलेंगे हमको सीखना है सीखेंगे, मत नहीं सीखना है तो नहीं सीखेंगे। ये ऐसा है कि अगर आपके माँ बाप आपको डर नहीं पैदा करेंगे कि रात के 10 बजे तक नहीं आया तो टांगे तोड़ दूंगा, दरवाजा लगा लूंगा, बाहर रहेगा, अगर ये बोलना बंद कर दिया तो हिंदुस्तान का हर बच्चा रात भर घूमेगा, ऐसा घूमेगा। 3 बजे तक आएंगे नहीं सर घर पे, 3 बजे तक आएंगे ही नहीं घर पे, क्योंकि पापा ने तो कुछ बोला ही नहीं ना, पापा मम्मी ने तो कुछ बोला ही नहीं। माँ बाप का सख्त होना वैसा ही एक टीचर का, माँ बाप जिंदगी देते हैं, जीवन के वो एक से और वो पहलू बताते हैं जिससे हम नॉर्मल जीवन जीते हैं, लोगों की पहचान मिलती है, पर एक संतान सर आपको पैसा कमाने का नॉलेज देता है। हाँ सर पहले बताते हैं ना सर कि इंसान की जिंदगी में सबसे पहले गुरु उसके माँ बाप होते हैं और दूसरा उसका टीचर होता है। बिल्कुल ऐसा है सर, ऑब्वियस है। आज हमारे टीचर्स और आज हमने जहाँ से भी शिक्षा ली है, अगर मेरे माँ बाप ने सुना मुझे बताया है कि फोन को क्या खोलना है कैसे खोलना है, ये कहीं ना कहीं टीचर्स ने बताया है, सही है कि नहीं है सर? हमको तो सिर्फ क्लास में जब हमको जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड में आए थे सब ABCD सिखाए थे सर, उसी बेस पे तो हम सर पूरा नाम लिखना सब ऐसा है, तो बहुत ज़रूरी सर, बिना बोलते ना सर बिना गुरु ज्ञान अधूरा है वैसा है सर। सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तौसीफ आपसे बहुत सारी बातें की, और जहाँ से जाने का क्या प्लानिंग है? सर अभी तो सबसे पहले तो घर पे सेटअप बनाऊंगा सर। बिल्कुल, दुकान तो है सर, दुकान पे दिन में जो होगा पर रात में खुद के लिए घर पे सेटअप बनाऊंगा सर। सबसे पहले रात काम करने वाले हैं? नहीं सर, आपने बताया सर थोड़ा सो जाओ फिर उठ के काम करो, आपकी वो जो बात मेरे दिल को लग गई सर। मैं तो ये मेरा कंसेप्ट यही है कि अगर मेरे को कहते ना कि खाली वक्त पे क्या करना है तो काम करना है, तो अगर तुम खाली वक्त पे काम करना सीख गए तो तुम मास्टर बन जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। काम से प्यार करो और काम ही रोजी रोटी है, बात ध्यान रखना है, पहली मासू का काम होना चाहिए। मिलन सर ने बताया दे नशा करो मोहब्बत का नहीं काम का, काम का, और जबरदस्त नशेरी बनो कस है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सर मैं लाइव पावर आईसी किया, CPU किया। जब CPU किया तो एक अंदर आए मतलब? सर हाँ सर एकदम बढ़िया है, इन्हें CPU करवा दिया, ये तो है मतलब? हाँ, हाँ सर। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डर लगकर यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव CPU और पावर आई, पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डे का किया जी सर। हाँ सर डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल है। लाइव क्या किया आपने? या सर लाइव मैंने CPU लगाया, पावर AC लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर कि बोर्नियो ने आधा दूरा ज्ञान दे। हाँ सर क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने PCB पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गया? सर डबल डेकर किया था। मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी IC पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव क्या? CPU भी लगा, IC पे भी लाइव काम, पावर IC पे काम और IC पे। लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G CPU निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर। एक बार राहुल के जोरदार ताली बजाइए भाई।
किया आपने? सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया। ड्यूल टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर, आपने तो तीन टाइम किया ना उसको निकाल के। हां हां, मेरे ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। मेरे दिखाइए आप क्या क्या काम किया। लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किए। ईएमसी है, ईएमसी लाइव पावर सीपीयू लगाए कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगा, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर की। तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से किया सर। आप किस पर मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। पी सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर। या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट Thank you.